जब भी आपको सूचित किया जाता है आप तुरंत आते हैं और पूरा हमारा जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई भी कार्य हो उसको लोगों तक पब्लिक तक पहुंचाना आप लोगों के द्वारा ही पहुंच सकता है। हम लोग तो हर घर हर जगह ही पहुंच सकते हैं। तो आज की ये जो प्रेस वार्ता है इसका मेन इशू जो है आज बड़ा जो बर्निंग इशू है जम्मू शहर के अंदर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर पानी का और बिजली का, और पानी और बिजली दोनों साथ ये दोनों इशू जुड़े हुए हैं। अगर बिजली होगी तो पानी आएगा, और पानी आएगा तो तभी जाके लोगों को सेटिस्फेक्शन होगी। उसके लिए पिछले साल से ये पीएचई का विभाग हमारे पास आया था लेकिन फुल फ्लैज नहीं आया था। इस साल 31 मार्च के बाद 1-4 के बाद ये सारा स्टाफ हमारे यहाँ ज्वाइन किया है, और अप्रैल से अभी 25-26 तारीख हो रही है तो अभी हमने सारे सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और आने वाले समय में और कैसे अच्छा कर सके। 25 साल पहले जो शीतली हमारा प्लांट बना था तब की वहाँ मोटरें लगी हुई तब का वहाँ सिस्टम है। उसके बाद आज शहर कितना बढ़ गया है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, कितनी करोड़ बढ़ गई है, कितने लोग जहाँ आ गए हैं, उस सारे सिस्टम को और कैसे अच्छा किया जाए। कल मैं और मेरे साथ हमारे चेयरमैन कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे कुछ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स जानीपुर क्षेत्र के जहाँ शीतली का पानी जाता था वो हमारे साथ थे, और पूरा पीएचई विभाग एससी से लेके एक्सीएंस सब वहाँ पे थे, और शीतली का एक एक जगह एक एक पॉइंट एक एक मोटर को हम लोगों ने पूरा देखा है, समझा है क्या कमी है वहाँ पे, पुरानी मोटरें लगी हैं उनको कैसा नया किया जा सकता है, उसके ऊपर जल्द से जल्द हम काम करना शुरू करेंगे। जो वहाँ फिल्टर प्लांट है वो काफ़ी देर से उसको चेंज नहीं किया गया है, जो भी उसमें सामान वो पड़ता है बिजली पड़ती है कुछ पड़ती है वो भी उसके कारण भी पानी कम फिल्टर हो रहा है और मोटरों के कारण भी पानी कम फिल्टर हो रहा है। ये सारे काम को कैसे अच्छा करें, आगे भी बहुत सी कमियाँ हैं, जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी कमियाँ हैं। जो शीतली से पानी लिफ्ट करके हम लोहान या वहाँ मांडा में भेजते हैं वहाँ सिस्टम होता है, अगर उनका 2.5 फुट पानी हो तब जाके आगे सप्लाई लगती है, जिसे 20 फुट होता है कम सप्लाई लगती है। यहाँ पर जो पानी लिफ्टिंग करना पड़ता है 20,000 मिलियन वो गैलन वो आजकल कभी 12-14-15 मिलियन गैलन ही लिफ्ट किया जा रहा है बिजली के कारण। वहाँ पे 3 ग्रिड डायरेक्ट बिजली देते हैं, उसके बावजूद भी बिजली में दिक्कत आ रही है, और जैसे ही कोई ट्रिप होता है जगदम जो मोटरें चल बड़ी बड़ी मोटरें वहां पे मैं देख के हैरान रह गया कि 11 केवी की जो बिजली है डायरेक्ट उससे मोटरें चल रही हैं, उसमें बड़े कोई ट्रांसफार्मर नहीं, बाकी तो ट्रांसफार्मर भी है। इसलिए जब से आप कॉर्पोरेशन के पास मैंने कहा बिजली विभाग को इनको पानी वालों को पीएचई वालों को आपके साथ अब 75 कॉर्पोरेटर मीन्स के 150 हाथ किस तरह पानी से राहत दे सकते हैं और बिजली कैसे सुचारू रूप से हो सकती है, खासकर जो हमारे पीएचई के फीडर है जो हमारे डायरेक्ट डेडिकेटेड फीडर होने चाहिए उनमें कोई डोमेस्टिक दायमाय नहीं होना चाहिए। उसके लिए पिछले दिनों हमने बिजली एमडी साहब से भी यहाँ पर मीटिंग की थी सारे विभाग के साथ, और कल पीएचई विभाग से हमने मीटिंग की थी। आज कल शीतली का दौरा किया था, आज धौतरी का हम दौरा करने वाले हैं, वो भी तभी से लिफ्ट पानी होता है उसको भी क्या क्या कमी है उसको देखेंगे। उसके बाद कल फिर हम बोरिया जाएंगे, बोरिया में भी क्या क्या कमियां हैं उनको दूर करेंगे। पहली बार जो अमृत के तहत हमारे पैसा आया है, पहले वो अमृत के तहत नालों के लिए पैसा आया था पिछले 5-6 साल से, पहली बार इस बार जल शक्ति विभाग जो है हमारा 5 अर्बन के लिए अर्बन जल शक्ति के लिए पैसा आया है, उस पैसे से हम सारे सिस्टम को ठीक करेंगे और उसके लिए डीपीआर तैयार कर रहे हैं। जहां जहां कमियां हैं चाहे लिफ्टिंग में है चाहे टैंकर में है चाहे मोटरों में है, स्टैंड बाई मोटर भी रखेंगे, चाहे अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है जहां जहां कोई गंदा पानी जा रहा है लोगों के घरों में सीवरेज होने के साथ बहुत से एरिया में गंदा पानी जा रहा है, उस वक्त पाइप जो सीवरेज में आ गई ना हमारे पीएचई विभाग ने देखा ना उन्होंने सीवरेज वालों ने उसको बाहर निकालने की कोशिश की, उसकी भी हम जल्द से जल्द डीपीआर बना के बाईपास सिस्टम को करके लोगों को साफ सुथरा पानी कैसे दे सके उसके लिए हम सब चेयरमैन मेरे साथ आज हमारे स्वच्छ भारत कमेटी के हरदीप सिंह मनगोटिया से, सोशल रिसर्च कमेटी के चेयरमैन हमारे पास अजय जी, और सब हम लोग कल भी वहां गए थे, और ये सारे स्टेशन पूरे शहर को हम दिन रात एक कर देंगे 75 के 75 कॉर्पोरेटर, लेकिन जम्मू वासियों को पानी और बिजली और सड़क बाकी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, कमियां होंगी कमियां रहती हैं लेकिन पानी कैसे हम लोगों को राहत दे सके। मुझे आशा है कि बिजली काफी दुरुस्त हुई है, काफी नए स्विमिंग स्टेशन बने हैं, काफी आगे जो हमारे फीडर हैं चाहे पीएचई के हैं चाहे घरों में बहुत से 1200 ट्रांसफार्मर लगे हैं लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए,
लेकिन फिर भी ये जो दो दिन कल और आज का मैंने पेपर में पढ़ा, कल और आज बिजली में कोई डिस्टर्बेंस थी उन्होंने पेपर में दे देते हैं, सारा शेड्यूल आकर ऑनलाइन है। मैंने बिजली विभाग को कह दिया कि जो भी आपका शेड्यूल बने इमीडिएट आप कॉर्पोरेशन को बताइए, हम हर कॉर्पोरेटर तक वो सारा शेड्यूल पहुंचाएंगे ताकि वो लोगों से बात कर सकें। अगर किसी किस्म की कमी है, कोई प्रॉब्लम है कि कोई ग्रिड में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को भी हम दूर करेंगे। मैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर साहब के हैं जोशी जी से मेरी बात हो गई, मीटिंग हो गई है पानी और इसके खासकर बिजली के लिए, बिजली होगी तो पानी होगा उसके लिए। गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं, आपके माध्यम से मिलके भी कहेंगे कि आने वाले ये जो तीन महीने हमारे हैं, इन्हीं तीन महीनों में पानी का संकट रहता है, उसको कैसे दूर कर सके, कैसे लोगों को राहत दे सके।